बहुत मिस करते हैं, इसीलिए तो वो इतना महंगा टिकट होने के बावजूद भी चले आते हैं। ठेकुआ को कितना मिस? वो तो लव है, पूरे इंडिया का लव है और स्पेशली बिहारीज का लव है। ठेकुआ की मिठास छठ पर्व की होती है, वो कभी और नहीं महसूस होती है। वो छठ पर्व का ठेकुआ जो होता है वो प्रसाद का स्वाद अलग ही होता है। छठ में तो भाई एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए, तो भाई जरूरी है, मम्मी के लिए तो आना ही है। मैं आई हूँ तो ऑफिस के सारे बंदों ने मेरे को बोला है कि वहाँ से आप आ रहे हो तो ठेकुआ जरूर लेकर के आना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। नहाय खाय के साथ कल से लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में जो लोग बिहार के रहने वाले हैं वो अब अपने घरों के और लौट रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं पटना एयरपोर्ट पर और आपको हम यहाँ की भी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ चल रही है। साथ ही साथ अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें, ट्रेनों की बात करें या बसों की बात करें, तमाम जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब हमने पटना एयरपोर्ट पर तमाम लोगों से छठ महापर्व को लेकर बात की तो लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। कहाँ रहते हैं? अहमदाबाद से आए हैं, छठ में आएंगे। जी जी जी। क्या लगता है कि साल में एक बार ही परिवार के लोगों से मुलाकात होती होगी छठ? हाँ हाँ, क्योंकि काम रहता है वहाँ पे, तो ये एक पर्व रहता है कि जिसमें पूरा परिवार साथ में रहते हैं और इसमें श्रद्धा और शुद्धता जो इतनी रहती है ना, इसके कारण घर में आने का बहुत मन करता है। तो इस पर्व के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ आए हैं। ठेकुआ को कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा। हम लोग पर्व हो या ना पर्व हो या ना हो, हम लोग ठेकुआ तो हमेशा खाते ही रहते हैं। बट जो ठेकुआ की मिठास छठ पर्व की होती है वो कभी और नहीं महसूस होती है। वो छठ पर्व का ठेकुआ जो होता है वो प्रसाद का स्वाद अलग ही होता है। कितना मिस करते हैं इन सभी चीज़ों को? बहुत बहुत ज़्यादा। मतलब बाहर जाओ तब रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर रह के उस चीज़ को महसूस करना क्या होता है। तब तक उतना पता नहीं चलता क्योंकि घर पर रहते हैं तो उतना रियलाइज़ नहीं होता, बट जब बाहर जाते हैं वापस आने के बाद पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और सभी परिवार के लोगों से भी मुलाकात हो जाती है? हाँ एकदम, भाई बहन दीदी मम्मी पापा सबसे मुलाकात होती है। बाकी वरना बाहर तो रहते हैं तो दूसरे लोगों से तो मिल जाते हैं, लेकिन जो परिवार का साथ होता है वो यहीं पे आके मिलता है। चलिए, लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम? मेरा श्रेया नाम है। आप भी अहमदाबाद से आ रहे हैं? हाँ, मैं गुजरात से आ रही हूँ। क्या लगता है कि छठ में घर आई हैं आप? हाँ, छठ पे मैं घर आई हूँ। साल में एक बार आना होता होगा, कितना मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा। और मेरी मम्मी खुद से छठ करती हैं तो इस फेस्टिवल का महत्व पता चलता है कि इस फेस्टिवल में कितना प्योरिटी है, कितना शुद्धता से सारे चीज़ें होता है, तो इस फेस्टिवल को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। और ठेकुआ को कितना मिस? वो तो लव है, पूरे इंडिया का लव है और स्पेशली बिहारीज का लव है। ठेकुआ तो बहुत मस्त है। यहाँ से जब वापस अपने कामों पे लौटती होंगी तो वहाँ के भी दोस्त यार ठेकुआ के बारे में? मैं आई हूँ तो ऑफिस के सारे बंदों ने मेरे को बोला है कि वहाँ से आप आ रहे हो तो ठेकुआ ज़रूर लेकर के आना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है गुजरात में छठ नहीं होती है, तो उन्होंने मेरे को बोला स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि वहाँ से आप आओगे तो हमारे लिए भी प्रसाद लेके आना। सभी लोगों से मुलाकात भी हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आ रही हैं? जयपुर से। जयपुर से छठ में? तो आप खुद करती हैं कि नहीं? फैमिली में करते हैं। तो साल में एक ही बार लोगों से मुलाकात हो पाती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऑकेजनली आ जाते हैं, कभी जरूरत पड़ा तो आ जाते हैं। पर खास है छठ पर्व तो इसी? खास है छठ पर्व। तो जयपुर ही रहती हैं कि? जयपुर में पोस्टिंग है तो वहीं पे रहती हैं। हाँ। ठेकुआ को कितना मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा। छठ का सबसे शुद्ध प्रसाद होता है घी और आटे का और चीनी का, गुड़ का, तो सबसे ज़्यादा उसको मिस करती हैं। और क्या लगता है कि सभी परिवार के लोगों से भी मुलाकात हो जाती है? और भगवान सूर्य की पूजा और आराधना का बहुत ही ये शानदार पर्व है, चार दिनों का ये पूजा है और साक्षात जो है सो भगवान सूर्य देवता को मतलब दर्शन करने के साथ ही पूजा करते हैं, इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। दो अभी पिछले दो सालों की बात करें तो कोविड भी था और अब तो कोविड ना के बराबर है, तो उस वक्त और इस वक्त में कितना फ़र्क? उस वक्त यही हुआ कि कोविड के समय लोग घर के छत पे ही टब में पानी डाल करके, और यदि छत पे थोड़ा सा वो बनाया हुआ है टब सीमेंट का तो उसमें खड़े होकर के पूजा किए, लेकिन छठ तो हुआ घर के अंदर ही हुआ। और अब है कि पोखरी में नदी में जहाँ भी है, खास करके नदी में तालाब में ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा उल्लास दिखाई देता है, तो अब कोविड के हटने के बाद फिर से उल्लास के साथ छठ का पर्व मनाया जा रहा है। कहाँ से आ रहे हो? पुणे। पुणे से? पुणे में रहते हो? हाँ। और घर बिहार हुआ? घर बिहार पटना। पटना ही में छठ को लेकर आए हो? हाँ, छठ पूजा महापर्व है बिहार का।
क्या लगता है कि कितना मिस करते हो छठ पर्व को? बहुत ज़्यादा, तो ही तो दिवाली मिस हो गया तो कुछ उतना नहीं काम को, बट काम से छुट्टी लेके छठ पूजा में तो आना ही पड़ा। छुट्टी मिले या ना मिले पर आना है? आना है छठ पूजा, तो भाई एक माँ करती है अपने बच्चे के लिए तो भाई ज़रूरी है, मम्मी के लिए तो आना ही है, मम्मी के लिए आना ज़रूरी है। और ठेकुआ को कितना मिस करते हो? अरे बहुत ज़्यादा, वो तो अपना क्या नाश्ता बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, सब कुछ। रात में अगर कुछ ज़रूरी है, स्नैक्स का ज़रूरत है तो ठेकुआ खा सकते हैं वहाँ पे तो। और दोस्त लोग भी बोलते होंगे कि घर जा रहा है तो ठेकुआ लेके आना। हाँ वो सब तो ऑर्डर पहले से हो जाता है उनका कि घर जा रहे हो तो भाई ये सब लेते आना, बिहार का ये लिट्टी विट्टी जितना सब कुछ, कचौड़ी वचौड़ी जो भी होता है उनको, मतलब महाराष्ट्र के लोगों को अच्छा लगता है यहाँ का चीज़, उनको पता भी नहीं ठेकुआ क्या होता है पर उनको चाहिए, उनको चाहिए क्योंकि मीठा अच्छा रहता है। और फैमिली को कितना, मतलब कि साल में एक ही बार मुलाकात होती होगी छठ ही ऐसा पर्व? नहीं फैमिली से मुलाकात में वैसे दो तीन बार होता है, वैसे छुट्टी पे डिपेंड करता है, जॉब पे कितना जल्दी छुट्टी मिल जाए क्योंकि हर बार मिलता नहीं है, कभी कभी कैसा ऑफिस की वजह से काम अंदर ज़्यादा है तो फिर वो छुट्टी नहीं देते हैं, और अगर अपना परफॉर्मेंस भी अगर थोड़ा सा उस वीक में अगर वीक है तो छुट्टी नहीं देते। वो कहाँ से आ रही है? मुंबई से। मुंबई रहती है? हाँ मुंबई में रहती है। छठ के लिए घर आई? घर आए, भागलपुर आए। भागलपुर, यहाँ से भागलपुर जाना। कितना मिस करती हैं छठ? बहुत मिस करते हैं, इसीलिए तो वो इतना महंगा टिकट होने के बावजूद भी चले आते हैं। तो अभी टिकट भी अचानक लेना हुआ कि पहले से आपने? नहीं पहले से, तीन महीना पहले भी 17-17 हज़ार का टिकट था। 17 हज़ार का टिकट था? हाँ। और तमाम परिवार के लोगों से भी मुलाकात हो जाती है? हाँ हाँ, इसीलिए तो आते हैं कि सब लोग आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, हम लोग मिलते हैं। ठेकुआ को कितना मिस करती है? ठेकुआ को बहुत मिस करते हैं, इसलिए आते हैं यहाँ से। ठेकुआ फिर पैक करा के भी करा के लेके जाते हैं ना, वहाँ पे घर में बच्चे, इतना महंगा टिकट होने के कारण बच्चे लोग को नहीं लेके आ पाते हैं तो उन लोग के लिए ले जाना पड़ता है। घर में कौन करता है छठ? मैं करती हूँ। खुद करती हैं? हाँ, और मेरी सासू माँ करती हैं। कितने सालों से आप कर रही हैं? 10 साल से। 10 साल से आप कर रही हैं? तो अगर हम पिछले 2 सालों की बात करें तो 2 सालों में कोविड का दौर था, अब कोविड ना के बराबर है, तो कितना अंतर देखती हैं पहले और अब में? बहुत अंतर है, इस बार तो बहुत साल के जैसे लग रहा है, कितना साल के बाद इतना धूमधाम से मन रहा है। छठी मैया से क्या कुछ मांगेंगे? बस सब लोग स्वस्थ रहे, अब जितना भी कोरोना ये सब वापस कभी ना आए। तो आपने साफ तौर पे सुना तमाम लोगों से हमने जब बात की कि वो छठ महापर्व को लेकर अपने घर बिहार लौटे हैं, लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है और लोगों का कहना है कि हम ठेकुआ को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं, और जो लोग जॉब करते हैं उनके जो कलीग हैं उनका भी यह डिमांड रहता है कि आप अगर छठ में घर जा रहे हो तो जो ठेकुआ प्रसाद है उसे ज़रूर लेकर आना। बड़ा लब बने रहे हमारे साथ, कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं शिवम, लाइव सिटीज़ पटना।